नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी बीजेपी। केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल के साथ साथ तीन राज्यों में गवर्नर भी बदल सकती है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम चर्चाओं में है। 2020 में राज्यपाल बने मनोज सिन्हा के स्थान पर ये जिम्मेदारी कैप्टन को सौंपने पर विचार चल रहा है। हालांकि कुछ महीने पहले उनके महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने पर भी चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इस चर्चा पर विराम लग गया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 81 साल के हो चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय पार्टी को भंग करने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले दो या तीन राज्यपालों को भी हटाने पर विचार कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ केरल के राज्यपाल और आरिफ मोहम्मद खान पर भी विचार जारी है। पंजाब में भाजपा 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। भाजपा पंजाब में लोकसभा सीटें सही हासिल करने के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए नेताओं पर भरोसा भी जता रही है। चर्चा है कि जब तब भाजपा के पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम के बेटे सुनील जाखड़ को पंजाब अध्यक्ष पद दिया है, तो वहीं कैप्टन को भी अहम व बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा की बैठकों में अधिक नहीं दिखते, लेकिन उनकी बेटी जयिंदर कौर काफ़ी अधिक एक्टिव दिख रही है। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय बैठकों में जयिंदर कौर खुद पहुंचती है। वहीं बीते दिन जाखड़ के अमृतसर दौरे के दौरान भी जयिंदर कौर स्वर्ण मंदिर में पहुंची थी और जाखड़ को शुभकामनाएं दी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।